goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप सभी का, आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ त्रिशा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 83 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई कर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग केस में गिरफ्तार कर लिया। एक्ट्रेस को मेडिकल टेस्ट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। ड्रग केस में दूसरे आरोपियों शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी पेश किया जाएगा। रिया से एनसीबी की पूछताछ का मंगलवार को तीसरा दिन था। तीन दिन में एक्ट्रेस से करीब 20 घंटे सवाल जवाब किए गए। सोमवार को एनसीबी ने रिया को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी, हालांकि ड्रिंक करने और स्मोकिंग की बात कबूल की। रिया का कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी किया सुशांत के लिए किया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि एनसीबी के पास रिया के खिलाफ पक्का सबूत है। रिया का ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन था, ये बात पुख्ता होने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।